फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ लगाया लापरवाही से काम कराने का आरोप। फैक्ट्री के बाहर मृतक मजदूर के परिजनों समेत ग्रामीणों ने काटा जमकर हंगामा। मृतक मजदूर के परिजनों ने फैक्ट्री में शव रखकर की मुआवजे की मांग। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिजनों को समझाने में जुटे। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र कुंभी स्थित JGF इंडस्ट्रीज फैक्ट्री का मामला। क्या नाम आपका? जगमोहन। किस गांव रहने वाले? साई के। अच्छा, ये कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर आज? ये फैक्ट्री यहीं है, गौरियापुर। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना कर्मे फंस गया बच्चा। क्या हुआ? मौत हो गई इसकी। जिसकी मौत हुई कौन थी? कौशल लड़का था। लड़का था। कितने दिन से यहाँ काम कर रहा? एक महीना काम हो गया करते करते। यहीं कंपनी में करते बाबू जी। किसकी लापरवाही मानते? कैसे, क्या घटना? और हम जो ठेकेदार की जिम्मेदारी में आते ये करवाते हैं, मैंने ठेकेदार लोग। क्या लापरवाही से काम कराते थे? अब जो कुछ बेटा होगा हम तो हाँ, हम लापरवाही का उक्का। तो क्या चाहते करवाई? अगर कुछ वेतन मिल जाए, बच्चा दो बच्चे हैं, दो बेटियाँ हैं, कुछ मिल जाए, उनकी जीविका चल जाए, मान लो। क्या मुआवजा चाहते हैं? हम मुआवजा चाहते हैं साहब। अच्छा, अगर मुआवजा नहीं मिलता तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, जबरदस्ती तो है नहीं। मैंने जो कार्रवाई में क्या करेंगे? कार्रवाई में जो कुछ बन गए करेंगे, मान लो FIR कराने का। हाँ। शिकायत की थी अभी? अब कुछ नहीं हुआ है। पुलिस आई, पुलिस ने क्या करवाई? कुछ ना पुछ चली गई, देख दूंगा पुलिस। भैया क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हो आप? साई। क्या नाम है? गौतम कुमार। अच्छा, आज कहाँ पर आए हो आप, क्या मामला है? ये यहाँ पे हमारे भाई का हो गया है, यहाँ पे काम करते हैं कंपनी में, ये JGF कंपनी है, इसी में काम करते हैं। वो रहता है, उसमें दूध का पाउडर बनता है, तो उसी में वो रहता उसका टापा, उसी में वो गिर गए, पता नहीं कैसे काम कर रहे थे। क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही? ये अभी सुबह से पुलिस आई, कोई वो नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा। अभी सुबह से कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। क्या मानते हैं, क्या लगता है? मतलब अभी उनसे बोला है कि जो लगता है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं चार, उनके लिए कुछ इनसे बोला है, तो बोला इतने में नहीं हो पाएगा। एक एक लाख रुपए बोले हैं, एक एक लाख रुपए क्या इतना मिलता है आजकल। जो मृतक हैं वो कौन थे आपके? मेरे भाई हैं, कौशलेंद्र कुशवाहा। तो कितने बच्चे थे उनके? चार बच्चे हैं, दो लड़के हैं, दो लड़की हैं। आपकी क्या डिमांड, क्या मांग, क्या चाहते हैं? हमसे मांगे से 40 लाख रुपए मांगे थे, तो बोले नहीं इतने में नहीं हो पाएगा। बोला कि नहीं, 2-4 लाख देंगे बस। अभी तक इस मामले कहीं शिकायत की आपने? शिकायत की, वो साहब आए हैं अंदर, वो भी कुछ उनकी तरफ ही बोल रहे हैं। पुलिस क्या मतलब समझौते की दवा बना रही, क्या कर रही? मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अभी जो हो रहा है इतने में कर लो, मतलब उनकी तरफ बोल रहे हैं, कंपनी मालिक की तरफ से इस तरफ नहीं बोल रहे कुछ। श्री राधा माधव TVS शोरूम्स आपके लिए लाया है बेहतरीन ऑफर। TVS के चुनिंदा 6 नए वाहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और 0% ब्याज के साथ भी। आज ही अपनी बुकिंग कराएं और TVS शोरूम से अपना वाहन घर ले जाएं। हमारे चुनिंदा 6 नए वाहन रोनिन, अपाची 310, जुपिटर, एंट्रॉक, अपाची स्पोर्ट्स बाइक। साथ ही पाएं बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर। किसी भी कंपनी का पुराना टू व्हीलर दें और बदले में नई चमचमाती टू व्हीलर घर ले जाएं। श्री राधा माधव TVS मथुरा का सबसे अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, जहां बेहतरीन मशीनों के साथ संतुष्ट तरीके से वाहन की रिपेयरिंग की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे TVS शोरूम पर विजिट करें और TVS के बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं।